शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमेंट रोड के काम करने में हो रही लापरवाही, यह खबर 1 जून को इनबीसीएन न्यूज में प्रसारित होते ही खलबली मच गई। तुरंत 3 मई को रोड के काम को शुरू कर दिया गया। अब प्रभाग के लोगों ने इनबीसीएन न्यूज का धन्यवाद अदा किया है। वशिष्ठ पुल काम की विशेष निधि 15 करोड़ के अंतर्गत रोड काम के लिए अंदाजन रकम 23,95,000 रुपये के काम का भूमि पूजन 27 जुलाई 2019 को संपन्न हुआ, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन अजय गौर को दिया गया। आज 1 वर्ष इस रोड का काम लंबित पड़ा था। इस ओर न प्रशासन ध्यान दे रहा था, न जनप्रतिनिधियों ने अभी तक कोई पर्याप्त उपाय नहीं किया था। प्रभाग क्रमांक 8 शिवाजी वार्ड के नागरिकों को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी। इस रुके हुए काम के चलते अब बारिश में इस रोड पर चलना भी मुश्किलों भरा हो गया था। वाहनों के आने जाने से फिसलन हो रही थी, दुर्घटना होने की पूरी संभावना पैदा हो गई थी। यह रोड प्रभाग का मुख्य रोड था, जिसका सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण करना था, लेकिन उस ओर कोई भी उचित कदम नहीं उठाए गए। तब 1 जून को इनबीसीएन न्यूज द्वारा यह रिपोर्ट दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आई। तब 3 जून को डॉक्टर लोंढा से तो रूपारेल के घर तक सीमेंट रोड का काम शुरू किया गया। शिवाजी वार्ड प्रभाग क्रमांक 8 के लोगों ने इनबीसीएन न्यूज चैनल के धन्यवाद माने। जनता के समस्या के लिए इनबीसीएन न्यूज हमेशा ही तत्पर रहता है। तब वर्षों से प्रलंबित काम शुरू हुआ, तभी सभी नागरिकों में उत्साह दिखा। बीसीएन न्यूज़ ने जो कवरेज किया है हमारी समस्याओं को और यहाँ के समस्याओं को, उसके लिए हम बीसीएन न्यूज़ को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। क्रमांक 8 का ये रोड 1.5 वर्षों से खुदा हुआ था और हमने इन बीसीएन को इसकी कंप्लेंट की। हमारे पत्रकारों ने इन बीसीएन के माध्यम से ये खुदे हुए रोड को उजागर किया और अब ये रोड का काम चालू हो रहा है। हम इन बीसीएन का चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया मानते हैं कि उन्होंने समाचार के माध्यम से ये इस बात को उजागर किया और उनके कहने पर ही ये रोड का काम शुरू हुआ। हिंगनघाट से इन बीसीएन न्यूज के लिए रवि एनवरकर की रिपोर्ट।